हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, यूट्यूब पर प्रियंक व्यास राजे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें, ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा, और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हिमांशु व्यास फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जो फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं वो रहेगी आपके हिंदी की रहेगी। प्यारे दोस्तों, हिंदी की रहेगी और इसकी यूनिट नंबर 2 लेके आ रहे हैं। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ कि इसके अंदर जो नया टॉपिक जुड़ा है दोस्तों, जो आपके राजस्थानी शब्दों का जो हिंदी मतलब है, वो भी हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए हैं। आप देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा उन क्वेश्चंस को पढ़ने में, सॉल्व करने में। तो आज की सीरीज शुरू करते हैं सुपर 30 क्वेश्चन की। प्यारे विद्यार्थियों, आप शेयर कर दीजिए, सबसे पहले एक मिनट शेयर कर दीजिए सब लोगों तक। एक बार आप शेयर कर दीजिए या उनको सूचना दे दीजिए कि ये वीडियो शुरू हो चुका है। हिंदी यूनिट 1 पहले हो चुकी है, आज यूनिट 2 लेके आ रहे हैं दोस्तों। पहले जितने भी हम लोगों ने वीडियो बना लिए हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब तक कितने आ चुके हैं दोस्तों? टोटल 9 टेस्ट सीरीज आ चुकी है। आप ज़रूर नीचे जाइए, देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए नीचे लाइक है। शुरुआत करने से पहले लाइक कर दीजिए, थंब दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए रीट लेवल 1 लेवल 2 हिंदी लैंग्वेज 1 शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण वर्तमान प्रयोग है? दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान प्रयोग आम बात हो गई है। वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है, वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। जल्दी से उत्तर दीजिए। अपूर्ण वर्तमान, यानी वर्तमान तो है लेकिन अपूर्ण वर्तमान है, यानी मैं ये कह दूं कि अभी चल रहा है, ऐसा भी कह सकते हो आप। अपूर्ण वर्तमान को आप क्या कह सकते हो कि चल रहा है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है। बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर, वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है, इसका अपूर्ण वर्तमान प्रयोग है। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? याद रखिएगा, मैंने हर बार बोला प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा सही है। देखिए, ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पूछा गया सवाल है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे भी लिए हैं जो पूछे गए हैं, और मैं आपको बता दूं कई बार क्या होता है कि पूछे हुए क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो जाते हैं, है ना। कई बार क्या, लगभग 50% चांस रहते हैं कि वो रिपीट हो जाते हैं। तो कौन सा सही है? प्राण प्राणों, दर्शन दर्शनों, मुनि मुनियों, दाम दामों। वीडियो को पॉज कर नीचे उत्तर लिखिए, जल्दी सभी लिखिए। देखिए, बिल्कुल कंजूसी मत करो दोस्तों, गलत तो गलत सही तो सही लिखिए जरूर। यस, इसका सही उत्तर रहेगा मुनि मुनियों। आप बोलते हो मुनियों मुनि, तो ये सही रहेगा। क्वेश्चन 3, कौन सा एक वचन है दोस्तों? एक वचन, यूनिट 2 चल रही है, अभी तक शेयर नहीं किया तो सब तक शेयर करें, लाइक जरूर कर दें नीचे, एक बार थंब दबा दीजिए। कौन सा एक वचन है दोस्तों? अच्छे लेखक, कौन सी कृतियाँ, अपनी मातृभाषा, अन्य देशों। एक वचन कौन सी होगी? आप देखिए, लेखक एक वचन हो ही नहीं सकता है, कृतियाँ भी नहीं हो सकती है, अन्य देशों आ गया, तो मातृभाषा। देखिए, आप अपन सब लोग जानते हैं हमारी मातृभाषा कौन सी, हिंदी है, तो वो एक वचन है, मातृभाषा अधिक थोड़ी हो सकती है। तो करेक्ट उत्तर क्या जाएगा? सी। क्लियर दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। दोस्तों, नहीं बदलता है, चाहे वचन की बात करो या लिंग की बात करो। आलसी, पानी, दीन, लिपि। सिंपल क्वेश्चन नजर आ रहा होगा लेकिन थोड़ा सोचिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, पानी। आप देखिए, ना तो इसका वचन चेंज होगा, पानी हो तो कभी बोल ही नहीं सकते आप, क्लियर, और ना इसका लिंग चेंज होगा। अगर आप पानी को पुरलिंग मानते तो स्त्रीलिंग क्या होगा, या पानी को स्त्रीलिंग मानते तो पुरलिंग क्या होगा। तो यहाँ पर वचन और लिंग किसी भी परिस्थिति में दोस्तों नहीं बदल रहा है, वो कौन सा रहेगा शब्द? पानी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इनमें से पुरलिंग शब्द बताइए। क्वेश्चन आपको हो सकता है आसान लग रहे हो, देखने में बड़ा मजेदार आ रहा हो, लेकिन सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। 30 में से 30 राइट होने चाहिए दोस्तों। उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी, पुरलिंग शब्द बताना है आपको। अब पुरलिंग शब्द पता करने के लिए आप क्या कीजिए, पुरलिंग किसको कहते हैं? जिसके पीछे आया गया ऐसे बोलते हैं ना। अब आप सोचिए, देखो, उम्मीद आया, आशा आया, बचपन आया, बेकारी आया। अब सोच लीजिए, यहाँ ऐसा लगा कि आप चेक कर सकते हो। पुल्लिंग शब्द, उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी, पुल्लिंग पूछा है, ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं पूछा, पुल्लिंग। आप देखो, उम्मीद आई ऐसे बोलते हैं, आशा आई,
बेकारी आ गई तो बचपन आई नहीं कहते हो आप कभी भी, याद रखिए बचपन मेरा आई ऐसा थोड़ी बोलते हो, बचपन आया या बचपन गया, बचपन गई ऐसा नहीं बोलते हो आप, बचपन गई बोलते हो क्योंकि यह स्त्रीलिंग नहीं है, क्योंकि यह पुल्लिंग है। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बचपन, सी इज द करेक्ट आंसर पांचवे का। छठा क्वेश्चन, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? कुसुम शाम को घर गई, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, जल्दी से। शाम को घर गई तो क्या उत्तर रहेगा? सामान्य भूत, ठीक है। पास्ट टेंस का है वो भी सिंपल पास्ट टेंस है, शाम को घर गई, घर गई थी ऐसा नहीं पूछा है, घर गई तो सामान्य भूत। इंग्लिश में भी आप याद रख लीजिएगा, सिंपल पास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंपल पास्ट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट इंग्लिश में। आइए, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? फिर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रीट में पूछा गया 2011 के आसपास ये सवाल पूछा गया है, किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? चाचा, छात्र, साइकिल, मामा। आप दिमाग लगा दीजिए, आप चाचा का लिंग चेंज करोगे चाची होगा, छात्र छात्रा, मामा का मामी हो जाएगा, क्या साइकिल का बदलेगा? कमेंट कीजिए, क्या साइकिल का बदलेगा दोस्तों? तो राइट आंसर क्या रहेगा? सेवन का सी, यस करेक्ट आंसर सी। दोस्तों आज आपके लिए मोटिवेशन, याद रखिएगा इस मोटिवेशन को बहुत ही, सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों का योग है दोस्तों, बहुत काम की बात है। सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयास, इसका मतलब आप कंसिस्टेंटली रहिए, आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आज के दिन आपने 5 घंटा पढ़ लिया, कल 1 घंटा पढ़ लिया, परसों 0 कर दिया, फिर वापस 6 घंटा पढ़ लिया, ये दिस इज़ द रॉन्ग वे, ये सही तरीका नहीं है। आप कंसिस्टेंटली पढ़िए, जैसे आप एक दिन में यदि 4 घंटे पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू चलते रहने दीजिए आप, इसी को बोलते हैं दोस्तों बार बार और छोटे छोटे प्रयासों से, और देखिए फिर सफलता कैसे आपके पीछे दौड़ लगाएगी दोस्तों, और आप उस सफलता से आगे चलोगे एक कदम। और आपको एक सुझाव भी दे रहे हैं कि दिन के अंत में अपने पूरे दिन का विश्लेषण कीजिए, जब आप सोने जाते हैं, जब आप सोने जाते हैं तो 2 मिनट मनन कीजिए, आप सोचिए कि आज पूरे दिन मैंने क्या किया। एक तो जब सुबह उठते हैं फुल एनर्जेटिक रहते हैं, और जब आप सो रहे होते हैं तब आपको थोड़ा लगता है नींद आ रही है, थक गए, तो आप उस समय 2 मिनट सोच के सोइए कि पूरे दिन में आपने क्या क्या किया, कितना आप पढ़े और कितने अच्छे काम किए आपने और कितने बुरे काम किए, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? डी इज द करेक्ट आंसर, विकारी, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, यहाँ पे जो स्त्रीलिंग है वो चयन कीजिए आप, संविधान, संसद, संगठन, सिंदूर, बताइए। सिंदूर स्त्री लगाते इसलिए यूं मत सोच लेना कि स्त्रीलिंग सिंदूर है। मैंने क्या कहा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचाना बहुत आसान है, आप उसके पीछे गई गया ऐसे लगा के देख लीजिए। अब आप देखो इसको बनाते हैं, संविधान बनाया, संविधान बनाई, ठीक है समझना, संसद बनाया, संसद बनाई, संगठन बनाया, संगठन बनाई, सिंदूर बनाया, सिंदूर बनाया, सिंदूर लगाया, देखो सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर लगाई ऐसा कभी नहीं कहते। संगठन क्या होता, बनाया, संसद बनाया, बनाई, दिल्ली में संसद बनी या बनाई, बनाया नहीं आता है, संविधान। स्त्रीलिंग शब्द का चयन क्या होगा, करेक्ट आंसर बी, संसद, क्योंकि संविधान भी क्या होता, बनाया, बनाई थोड़ी आता है, संविधान बनाई थोड़ी आता है। तो ऐसे आप करके थोड़ा सा ट्रिक वाइज निकाल सकते हैं कि संसद बनाई नहीं लग सकता है, वो स्त्रीलिंग, देखिए संसद बनाई लगता है, सॉरी संसद बनाया ऐसा नहीं बोल सकते आप, तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, बी संसद। 10वां क्वेश्चन, ये आम उसके लिए, अब देखिए अंडरलाइन किया हुआ किसके नीचे, अंडरलाइन किया हुआ उसके लिए के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित जो है वो अंश है वो क्या है, ए बी सी डी ऑप्शन, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके उत्तर दीजिए। उसके लिए, उसके मतलब आप समझ लीजिए, उसके अन्य व्यक्ति की बात चल रही है, तो अन्य की बात चल रही है तो आप देखिए तीनों खत्म हो गए, सीधा ए इज द करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए, अन्य पुरुष है और एक वचन है उसके लिए, उनके लिए होता तो बहुवचन हो जाता, समझ रहे हो, उसके लिए। और संप्रदान, याद करिए कारक, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संप्रदान काके की रारे री, अधिकरण में पेपर, संबंध हे अरे अजी, ये कारक होते हैं, ये कारक बड़े काम के हैं, मुझे बचपन से ये कारक मैंने याद कर रखे हैं दोस्तों, देखिए तभी मैं इतनी फ्रिक्वेंटली आपके सामने बोल पा रहा हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पेपर, संबंध हे अरे अजी, बात आ रही समझ में? तो ये बचपन की चीज़ें थी, आपको याद करनी चाहिए थी। उसके लिए, अब आप दिमाग लिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संप्रदान आ गया ना, के लिए, उसके लिए आ गया, क्लियर, समझ पा रहे हो आप? चलिए बहुत अच्छे, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कमेंट कीजिए एक बार,
मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है एक बार नीचे कमेंट कर लीजिए। सभी लोग एक बार बोलिए सर बहुत मज़ा आ रहा है, सर मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार आप लिखिए। चलिए 11वां क्वेश्चन, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। देखिए बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है। स्त्रीलिंग पूछ रहा, मगरमच्छी, मगरमच्छा, मादा मगरमच्छ, मगरमच्छानी। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, यस मादा मगरमच्छ होगा, आप मगरमच्छी थोड़ी लगा दोगे। क्लियर, तो 11वें का क्या आंसर रहेगा, सी मादा मगरमच्छ। आइए प्रिय का स्त्रीलिंग, प्रिय प्यारा, इसका स्त्रीलिंग होगा। आज आप पहली बार देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। प्रियतम, प्रिया, प्रिये, प्रियुषु, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा कमेंट कीजिए। बी प्रिया, याद रख लेना, प्रिय प्रिया। प्रिय किसको बोलते हैं, पुरुष को बोलते हैं, है ना। प्रिय जो स्त्री है वो पुरुष को बोलेगी ए मेरे प्रिय, और पुरुष स्त्री को क्या बोलेगा, ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया। सलमान खान का एक कोई गाना था शायद, ऐसा मुझे लग रहा है, आप देख लेना। ठीक है, तो 12वें का आंसर क्या रहेगा, बी प्रिया। 13वां, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों। देखो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 के अंदर पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लगभग लगभग हर क्वेश्चन हर एग्जाम में ये आता ही आता है, समझ लो आप, लगभग लगभग हर जगह ये आता ही है। तो कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, कवियत्री, कविनी, कविनी। देखो ये तो मतलब ही नहीं, आप दोनों इनमें कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, कन्फ्यूज हो रहे होंगे, कवियत्री आता है या कवियत्री होता। कुछ बच्चों को आज पता चलेगा कि वास्तव में कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, दोस्तों याद कर लीजिए, कवियत्री, कवियत्री नहीं आता, कवियत्री आता, क्या आएगा, कवियत्री। क्लियर, कवियत्री, कवियत्री, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए 13वां का डी। आइए 14वां, अपूर्ण भूत, समझ रहे हो, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। भूत का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, हम इसको क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस, लेकिन कैसा, अपूर्ण, कंप्लीटली पूर्ण नहीं हुआ है। कौन सा एग्जाम्पल होगा, पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्ष हुई थी या वर्षा हुई थी, ये वर्षा है, ठीक है, बताइए। भूत तो है लेकिन अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं हुआ है। पत्र मिल गया था, देखो ये तो पूर्ण भूत हो गया, वर्षा हुई होगी ये गैस कर रहा है, ठीक है, वर्षा हुई थी ये फिक्स हो गया, बालक सो रहा था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बी बालक सो रहा था। इसका मतलब देखिए आप इसको थोड़ा सा समझिए, बालक सो रहा था, भूत में है और सो रहा था उस समय, समझ रहे हो, अब हो सकता है जाग गया हो, तो अपूर्ण भूत में ये काउंट होगा। कौन सा शब्द पुरलिंग नहीं है, देखिए क्वेश्चन समझना, पुरलिंग नहीं है वो आपको निकालना है, व्यक्ति, भाषा, उपकरण, लेखक। व्यक्ति पुरलिंग है, व्यक्ति था या व्यक्ति थे, भाषा, भाषा क्या होगा, यह मेरी मातृभाषा है, मेरी भाषा अच्छी है या अच्छा है, बताओ आप बताओ, मेरी भाषा अच्छी लगाते हैं या अच्छा लगाते हैं, पुरलिंग नहीं है। देखो सवाल समझिए, बड़ा खतरनाक सवाल है, पुरलिंग नहीं है मतलब क्या कहना चाह रहा है, स्त्रीलिंग कौन सा है, तो यहाँ पर क्या उत्तर रहेगा दोस्तों, भाषा, बी, क्योंकि व्यक्ति देखिए पुरलिंग हो जाएगा, उपकरण, उपकरण लगाए, लगा ही नहीं आता है, लेखक, लेखक, लेखक शब्द क्या है, यहाँ से पता चल रहा है पुरलिंग है, तो यहाँ पर जो भाषा है दोस्तों बी, ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि मेरी भाषा में मैंने गाया, मेरी भाषा आई, ऐसे करके बोलते हैं ना भाषा, तो भाषा अपने आप में क्या है, पुरलिंग नहीं है। आइए आगरा का बहुवचन होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आगरा का बहुवचन होगा, आगरे, आगरो, आगरे या बहुवचन नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ से होगा भाई, किसी स्टेट के नाम के आगे आप थोड़ी लगाओगे, दिल्ली तो दिल्लो थोड़ी बोल दोगे, केसरिया जी है तो केसरिया जियो ये थोड़ी बोल दोगे आप, खेरवाड़ा है तो खेरवाड़ो ऐसे नहीं बोल सकते, समझ रहे हो, बहुवचन नहीं बनता है, अपने आप में एक होते हैं, तो यहाँ पर बहुवचन नहीं होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए 17वां क्वेश्चन, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन बताइए, वर्षा, अब आप खुद दिमाग लगाओ ना, वर्षा तो वर्षा ऑलरेडी बहुवचन है, तो न तो वर्षा होगा न वर्षा होगा, बोल ही नहीं सकते आप, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, वर्षा, क्योंकि वर्षा गण भी नहीं होगा। तो 17वां का क्या रहेगा दोस्तों, सी क्वेश्चन, वर्षा का वर्षा ही रहेगा, क्लियर, थोड़ा कभी कभी अपना गैस भी आप कर लीजिए, दिमाग लगा लीजिए। तो ये फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों आपके लिए, हिमांशु व्यास सर, मैं खुद और प्रियंक सर, हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं, दोनों ब्रदर हम रीट 2018 सेलेक्टेड है, और हमारे YouTube चैनल पर आपको काफ़ी सारे ज्ञानवर्धक और पढ़ाई से संबंधित सारे वीडियो मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाकर आप जरूर चेक कर लीजिए, और कमेंट नीचे छोड़िए, प्रियंक व्यास राधे नाम से चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर लीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए 1 अप्रैल से प्रतिदिन शाम 6 बजे हम वीडियो लेके आ रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन, इनमें से एक वचन बहुवचन, देखिए जोड़ा दे दिया, एक वचन और बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, खुश मत हो जाना, सही है नहीं पूछा है, सही नहीं है ये पूछा है, तो घोड़ा घोड़े सही है, आंसू आंसुओं, गली गलियां, चिड़िया चिड़िया,
तेरी गलियां गलियां गलियां, तो गली होता है, गलियां भी होता है, घोड़ा घोड़े भी होता है, देखो चिड़िया चिड़िया भी, आंसू आंसू हो, ये गलत है दोस्तों, याद रखना, आंसू आंसू हो। एक चिड़िया होगी तो ये बोलेंगे चिड़िया, चिड़ियों नहीं बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं, चिड़िया है, ठीक है। तो एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, आंसू आंसू नहीं बोलते कभी भी, आप दिमाग लगे, मेरे आंसू आ रहे हैं, आप शब्द आप ऐसे बोल रहे हो, मेरे आंसू आ रहे हैं, पीछे बोल रहे आ रहे हैं, ऑलरेडी बहुवचन हुआ है, तो आंसू के आगे आपने आंसू थोड़ी लगाया, आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि मेरे आंसू आ रहे हैं, समझ पा रहे हो। कभी कभी सब्जेक्ट के अंदर घुसने की बजाय आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज़ कर लीजिए, ठीक है, हमारे जो सामान्य भाषा में जनरल भाषा में हम जानते हैं। चलिए 19वां क्वेश्चन, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होगा, प्रतिज्ञा बोली भाषा या संख्या, वचन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाना है। वचन आपके क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अभी संख्या आ रही कि नहीं आ रही है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डी, संख्या इज द राइट आंसर। 20वां, परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन बताइए, परीक्षा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, परीक्षाएं परीक्षाओं क्या होगा, जल्दी से, प्रश्न का प्रश्नों, ठीक है, प्रश्न हो जाएगा तो ये तो वैसे ही कट जाएंगे दोनों, और गलती का गलतियां होता है या गलती होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा ए, परीक्षाएं प्रश्नों और गलती, गलतियां, गलतियों नहीं बोलते, गलतियां, इतनी गलतियां मत कर, ऐसे कहते हैं ना, प्रश्न का प्रश्नों और परीक्षा का परीक्षाएं, बहुत सारी परीक्षाएं चल रही, परीक्षाओं नहीं आएगा। 21वां, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, साधुओं, साधुए, साधु या कोई नहीं, अब साधु तो दोस्तों अपने आप में बहुवचन है, आप दिमाग लगाइए, तो राइट आंसर क्या रहेगा, कोई नहीं होगा, आप देखिए आप क्या बोलते हो जनरली, क्या बोलते हैं, साधु जा रहे हैं, सही कहते हैं ना, यदि एक जा रहा होगा तब भी आप बोलोगे साधु जा रहा है, पांच जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, साधु जा रहे हैं, आप यूँ थोड़ी बोलोगे साधुओं जा रहे हैं, साधुओं जा रहे हैं या साधुए जा रहे हैं, नहीं बोलोगे, तो 21वां का डी इज द करेक्ट आंसर। आइए 22वां क्वेश्चन, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है, कारक लगाने के बावजूद भी बहुवचन नहीं बनेगा, घी, गीत, घर, सखी, गैस कीजिए। 22वां का यस बी, सॉरी 22वां का क्या रहेगा, ए, घी, घी इज द राइट आंसर दोस्तों, भले कारक चिन्ह लगा दो तब भी इसका बहुवचन नहीं बनेगा, घी घी रहेगा, घीओ घीओ ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्लियर। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुरलिंग दोनों है दोस्तों, स्त्रीलिंग भी है और पुरलिंग भी है, हार, धार, तार, वार, बोलो जल्दी से उत्तर दीजिए, कमेंट सेक्शन में नीचे उत्तर लिखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्त्रीलिंग पुरलिंग कैसे हुआ, देखिए हार करेक्ट आंसर है दोस्तों, हार कैसे हुआ देखना, हार पहनाया, हार पहना ही नहीं आता है कभी भी, दिमाग लगाइए आप, हार पहनाया, तो पहनाया मतलब पुरलिंग आ गया, और एक मेरी हार हो गई, मेरी हार हो गया ऐसे नहीं कहते कभी भी आप, मैं हार गई, गई नहीं कहते आप, मैं हार गया, तो यहाँ पर मेरी हार हो गई मतलब क्या हो गया, स्त्रीलिंग, तो स्त्री और पुरलिंग दोनों का यहाँ पर निकल रहा है, इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हार को स्त्रीलिंग और पुरलिंग इसके अंदर दोनों है। आइए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्पेशल हम लोगों ने लिख के डाले हैं, जो कि आपके नए टॉपिक से संबंधित आए हैं, निम्न राजस्थानी शब्दों के अर्थ बताने हैं आपको, वीरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अगर आप टीवी वगैरह देखते हो तो उसमें पंजाबी जितने भी धारावाहिक उसमें अक्सर बोलते हैं मेरा वीरा, लेकिन यहाँ पर देखिए पंजाबी के साथ में ये वीरा शब्द जो है वो वास्तव में राजस्थानी शब्द है, ठीक है, तो इसका मतलब बताइए, भाभी, भाई, लड़का, पशु, जल्दी से उत्तर, यस, वीरा मतलब क्या होता है, भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। एक गाना भी सुना होगा, नथी मारी मारी जायो वीर कोणी ले अंबा, ये गाना है आपने अगर राजस्थानी भाषा में कभी सुना हो तो। 25वां सवाल, लालजी, ये लालजी किसी व्यक्ति का नाम नहीं दोस्तों, लालजी, लालजी भाई, वालजी भाई, जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं, हगजी भाई, मगजी भाई, ठीक है, तो कोई देख रहा हो तो बुरा मत मानना, ये नाम है। तो लालजी का अर्थ क्या है, यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थानी शब्द है, भाई, काका, देवर, ससुर, जल्दी से, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लोग सेलेक्ट करके लाए हैं, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों ये क्वेश्चंस को लिखने में, इसका वीडियो को एडिट करने में, बनाने में, तो आप एक बार लाइक बनता है यार, और शेयर जरूर कीजिए हमारी मेहनत की तरफ देखकर, ठीक है। तो लालजी का अर्थ दोस्तों देवर होता है, आज पहली बार आपने सुना होगा राजस्थानी में लालजी का मतलब क्या होता है, देवर, तो अगली बार अगर महिलाएं वीडियो देख रही हैं तो अपने देवर जी को आप क्या बोलेंगे, लालजी, पीछे लालजी भाई मत कह देना आप, ठीक है, लालजी बोलेंगे, लालजी का मतलब क्या होता है, देवर, आपका देवर जो होंगे वो भी बड़े सकते हैं माचेंगे, लालजी, साला मेरा नाम तो ये लालजी कैसे कह रहे हैं, एक बार कह के देखिए, बड़ा मजा आएगा राजस्थानी भाषा में। आइए कलेवो, कलेवो का अर्थ है दोस्तों, ये कलेवो कई बार आपने सुना है, ये राजस्थानी वर्ड है, नाश्ता, मिठाई, भोजन, पानी, जल्दी से उत्तर दीजिए, कलेवो, कलेवो का दोस्तों अर्थ होता है ए, नाश्ता, क्लियर।
आई होप कि आपका कुछ गलत भी हो रहे होंगे, कुछ राइट भी हो रहे होंगे। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार जरूर नीचे कमेंट कीजिए। चलिए मैं वेट करता हूँ, आप एक बार कमेंट कर दीजिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लाइक ज़रूर कर देना कमेंट करने के साथ। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? यस। और इम्पोर्टेंट बात, जो वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, देखो लाल बटन में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी पे लगा दीजिए, ताकि ऐसे नए नए वीडियो जब भी आएंगे आप तक सूचना आ जाएगी। टन देके घंटी बजेगी, कैसे बजेगी? मंदिर की टन देके, और आप समझ जाओगे कि माँ सरस्वती धाम क्लास ऋषभ देव का वीडियो आ चुका है। हिमांशु सर और प्रियंक सर आ चुके हैं हमारे बीच, जल्दी से आप लिखिए। क्या कर रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। कलयुग का अर्थ नाश्ता मिठाई भोजन पानी, मैंने आपको क्यों रोका है वीडियो बताइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बेगा बेगा शब्द का अर्थ बताइए। बेगा बेगा, और ये बड़ा प्यारा शब्द है, दूर दूर जल्दी जल्दी पास पास घर घर, उत्तर दीजिए। दोस्तों मैं रुका हुआ हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी पहले भी रुका था अभी भी रुक रहा हूँ, उसके बाद बेगा बेगा बता दीजिए। बेगा बेगा बड़ा प्यारा सवाल है, बेगा 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 से बोलते ना, जल्दी जल्दी आना। प्रियतम प्रिय को, प्रिया प्रिय को, प्रिय प्रिय को क्या बोलती है कि भाई वेगा वेगा आवजो, राजस्थानी में क्या बोलते हैं, ए जटे जय रहा हो वटे वेगा वेगा आवजो, जल्दी जल्दी आना, मतलब क्लियर। 2700 क्वेश्चन, ऊनालो शब्द का अर्थ है, याद करो दोस्तों। आज भी गांवों में हमारे जो बड़े बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी फुआ फुई जो भी हो, ठीक है, ताऊ ताई, वो आज भी कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करते, ऊनाड़ो ऊनाड़ो आ गयो, पागड़ी में जनरली हमारे बोलते ऊनाड़ो आ गयो। ये क्या है, सर्दी का मौसम, वर्षा का मौसम, गर्मी का मौसम, या सभी? जल्दी से उत्तर दीजिएगा दोस्तों। यस, गर्मी का मौसम, उनाड़ो मतलब क्या होता है, गर्मी का मौसम। बरसात के मौसम को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके लिए होमवर्क। बरसात के मौसम को क्या बोलते हैं राजस्थानी भाषा में? याद रखना, उनाड़ो वागड़ी भाषा नहीं है, राजस्थानी भाषा है, ठीक है, उनाड़ो, लेकिन हम जनरली बोलते हैं क्योंकि हम राजस्थान के हैं तो राजस्थानी बोलेंगे। वर्षा के मौसम को क्या बोलेंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जल्दी से। चौमासो, चौमासो, यस यस यस। और सर्दी का मौसम बताना एक बार, कमेंट सेक्शन कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आप कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2900 सवाल। रमण ने का अर्थ है रमण ने, और रवण ने नहीं कह रहा है, ठीक है, रवण ने मत समझना, रमण और रमण ने, खेलने नाचने कूदने गाड़ी चलाना, ए इज खेलने इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। रमण ने का अर्थ क्या होता है, खेलना, ठीक है, रमण करना, रमण ने, एक रमण का हिंदी का मतलब अलग ही होता है, याद करना, रमण ने मतलब खेलने। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो चुका है रमण ने, अब हम बात करेंगे डांगरा का। डांगरा का अर्थ क्या दोस्तों, डांगरा, जनरली कई जगह पे डांगरा शब्द जो वो खेतों में निकलता है डांगरा खाने का आता है, जिसको ककड़ी वगैरह कुछ बोलते हैं, वो डांगरा नहीं है, यहाँ पर राजस्थानी शब्द है। डांगरा का अर्थ क्या है दोस्तों, पशु पक्षी मनुष्य है लकड़ी। बड़ा प्यारा अंतिम क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया आप लोगों के लिए, डांगरा, यदि आप किसी को ये बोल दो ना तो आपको पढ़ भी सकती है, ठीक है, जो राजस्थानी भाषा जानता है, बाकी तो किसी को भी बोल दो, चेप दो, कोई पता ही नहीं चलेगा। डांगरा का अर्थ क्या है दोस्तों, यस पशु। डांगरा का मतलब क्या होता है, पशु। तो राजस्थानी शब्द हमारी मिट्टी के अंदर है, कण कण में है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कीजिए। देवर को लालजी कहिए, और अगर किसी को पशु बोलना है तो डांगरा कीजिए, वैसे पशु नहीं बोलना चाहिए, हम मनुष्य श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों डांगरा का मतलब पशु होता है। ये आज सुपर 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए यूनिट सेकंड का, इसमें जो नए टॉपिक जुड़े हैं उसको भी हमने ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। फ्री टेस्ट सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, रीट लेवल 1 लेवल 2, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों तक, अभी आपने देख लिया तो आप शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और इस चैनल को लाइक कर दीजिए। माँ सरस्वती धाम क्लासेज ऋषभ देव आप लोगों के लिए प्रतिदिन वीडियो लेके आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस बार हम यूनिट वाइज टेस्ट लेकर आ रहे हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि कोई आपको इंक्वायरी जाननी हो तो आप जरूर संपर्क कीजिए। चलिए नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलेंगे फिर से, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय माँ सरस्वती।